एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों, सुधीर राम ब्लॉग में। और आशा करते हैं आप सभी को अच्छे होंगे। और अभी टाइम है 12 बज गया है और आज हम ड्यूटी नहीं गए हैं, क्योंकि आपको हम बताए थे कि मेरा ये ड्राम फट गया था, जो कि इसको हम एमसील लगाए हैं और ये दिन भर सूखने में लगता है, इसी के कारण आज नहीं गए हैं। और गाइस, आज हम लोग, एक बच्चा है हम लोग का घर में, नाम है अलिस्ता। और देखिए, यहाँ आम लाए हैं, बहुत ज़्यादा आम है यहाँ पे, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसको छीला जा रहा है और इसको आज हम लोग बनाएंगे आम कुचा, जो इसको छील करके इसको बाद इसको काटा जा रहा है, उसके बाद इसको सुखाया जाएगा, अथी जो भी है मसाला उसाला डाल करके, नमक उमक डाल के। और आज देख सकते हैं गाइस, आज हम घर में ही हैं, तो हमको कुछ थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि डेली घूप धूप में घूमते हैं। तो देखिए, हमको कुछ खाने का मन किया, तो घर में ही हम लोग चना उना बेचते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा ये चना बनाया हूँ, जो कि कच्चा चना और आपका प्याज और टमाटर है। और आज मेरा आइसक्रीम जितना भी था ना, वो सब टूट गया था, तो उसको बहुत सा मैंने उसको चूना। मम्मी यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी चूर है यहाँ पे बचल है, और टूटा हुआ को हम लोग यहाँ छांट करके और यहाँ रखे हैं। मेरा आइसक्रीम भी अब ख़त्म होने वाला है, बिस्किट बस इतना ही है मेरा, दो दिन और चलेगा। सो गाइस, आज हम घर में हैं, मेरा बसंती इधर आज इसको रेस्ट दे रहे हैं, अंदर में ही रख दिए हैं, क्योंकि बाहर में पूरा धूप है, तो धूप में दिन भर रहेगा तो अच्छा नहीं है। सो गाइस, रात भर हम लोग के घर तरफ बिजली नहीं था और मेरा मोबाइल में चार्ज ही नहीं, 5% है। सो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं। अभी हल्दी मिलाया जा रहा है, उसके बाद नमक डालेंगे। यह नमक चल गया, अब इसको मिलाया जा रहा है, इसको मिला के उसके बाद इसको, देखिए यहाँ पे ये मिल गया, ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा से हल्दी और नमक मिल गया है। और अभी और भी यहाँ पे आम छिला रहा है, उसके बाद उधर प्लास्टिक में और भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे और है, उसके बाद यहाँ छिल रही है। और ये इसको अभी बनाए हैं, इसको हम लोग खाने के लिए बना रहे हैं गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा पक्का हुआ है ना, पक्का तो नहीं बोलेंगे इसको, गदराया हुआ है, लाल है, तो इसलिए नहीं बनेगा। इसमें नमक मिर्चा ये सब चीज़ डाल करके अब इसको हम लोग सभी को खाएंगे, अभी छील रही है। और अभी आप देख सकते हैं, जो हम लोग यहाँ आम कुचा बनाने के लिए बनाए थे, नमक और हल्दी सब डाले साने उने, इसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग सुखा दिए हैं, ये पूरा सूखेगा, इसको हम लोग सूखने के लिए डाल दिए हैं। अरे ये आम पकाया हुआ है, हम कल ड्यूटी गए थे उधर, तो उधर से हम तोड़ के लाए थे, और इसको हम अभी पिएंगे, इसको बना करके, ये लू के लिए बहुत अच्छा काम करता है।
हम इसको जब भी जाते हैं तो इसको सुबह सुबह पी के ही जाते हैं, तो शरीर को ठंडा रखता है। और आप देखिएगा इसको हम कैसे बनाते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। सबसे पहले इसको धोएंगे हम लोग, थोड़ा सा इसमें राख, लकड़ी का बुरादा राख सब है, थोड़ा सा इसको साफ करेंगे। एक टिफिन लेंगे, टिफिन में हम लोग पानी लेंगे, ये थोड़ा सा पानी लेंगे यहाँ पे, ये रहा। हम थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि इसको भैया के लिए भी बचाएंगे। और इसको क्या करेंगे हम लोग, और अभी आप देख सकते हैं ये दूसरा आम हम ले लिए, उसके बाद इसको हम देखिए किस तरह से निकल रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, बस चीनी डालेंगे, चीनी उसके बाद नमक भी डाला जाता है, लेकिन हम केवल चीनी डालेंगे। ये रहा चीनी, हम इसको आप देख सकते हैं। ये चीनी मेरे लिए पर्सनली है, हम इसको अपने पास ही रखते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरा आम पानी, आम जूस बन के रेडी हो गया है, ये देख लीजिए। अब इसको कुछ करना नहीं है, इसको हम पिएंगे। स्वादिष्ट है, चीनी सब अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। या बच्चा है इसको रख देंगे, कोई और पिएंगे। हाय गाइस, रात भर लाइन नहीं था और सुबह भी लाइन नहीं था, और 2% में मेरा केवल बिजली बैटरी था। तो अभी हम मोबाइल में दुकान में अपना मोबाइल को चार्ज करने के लिए दिए थे, और अभी हम जस्ट अभी तुरंत अभी लेके आ रहे हैं, मेरा मोबाइल को चार्ज हो गया और अभी लाइन भी आया है। अरे एक भाई यहाँ पे देखिए, ये जो है ना क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ को पीस रहे हैं, इस क्या चीज़ है भाई, हड़रा देखा थोड़ा, ये देख रहे, ये हड़रा बोलते हैं इसको, ये हड़रा का छिलका है जो कि कहाँ से लाई नहीं, गड़गड़ा से लेके आओ, मतलब इके छुबे नहीं तो पूरा ही को पूरा एथी टाइप से है, चीनी जब पाक करें उस टाइप से काम में काम वाली को, खांसी में काम, खांसी में, मतलब ये भाई बता रहे हैं कि ये जंगल में मिलता है, और ये पूरा लस्सापन होता है, चिपचिपाहट होता है एकदम। देखिए ना, हम इसको पकड़ के देख रहे, बबरू बब सुलेशन जो होता है ना उस टाइप से, देखिए ना हम थोड़ा सा पकड़े तो पूरा लस 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 कर रहा है, मतलब ये खांसी अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना तो इसको पीजिएगा। 3 चम्मच, 3 टाइम पीना है, मतलब कि बिहाने शाम में और सुबह, हाँ 3 टाइम, इतना ही इतना कि
नहीं बस एक एक चम्मच छोटा चम्मच। तो इसको तीन टाइम बनाना है, मतलब इसको तीन टाइम पीना है, इसका रस को गार देना है, इसका रस को शायद इसको गारना है और इसको तीन टाइम पीना है, थोड़ा थोड़ा एकदम इतना इतना सा तीन टाइम इसको बनाना है। और खांसी अगर बहुत ज़्यादा है, ये भाई अभी फ़िलहाल ब्लड दिए थे, 4-5 बार ब्लड दे दिए हैं, तो ब्लड देने के कारण शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गया है, और कमज़ोरी होने के कारण थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं ना, मजदूरी काम करते हैं, तो खांसी हो गया और खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाई ववाई करके थक गए, तो लास्ट में ये दवा को हर्रा बोला जाता है इसको, जो कि जंगल में मिलता ही है, आसानी से कहीं भी आप जाइएगा ना तो मिल जाएगा। और अगर आपको खांसी है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खांसी अगर नहीं जा रहा है तो ये अच्छा काम करता है। देखिए यहाँ पे ये अपना खुद या भाई का खांसी है तो अपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, एक समझिए कि नेचुरल चीज़ है, कुदरत का देन है, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। और देख सकते हैं अभी हम जब थोड़ा सा भी पकड़े ना इसको तो पूरा चिपचिपाहटपन एकदम पूरा लस लस, जिसे कि एक सुलेशन करता है ना उस टाइप से लस लस कर रहा है। और इसको खाली पेट में पीना है या खाना खा के? खाना खा के भी पी सकते हैं, ऐसे कुछ कारण नहीं है इसको कि खाना खा के कुछ देर के बाद। हाँ मतलब इसको खाना खा के भी कर सकते हैं, खाली पेट में तो थोड़ा सा दिखते हैं, इसलिए दवाई भी अगर हम मेडिसिन अगर दवाई यूज कर रहे हैं तो उसको खाना डॉक्टर सलाह देता है कि खाना खाने के बाद ही उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी आप खाना खाने के बाद ही कुछ देर के बाद अपना 10-5 मिनट जो भी आप दवाई यूज करते हैं ना वैसे ही आपका ये डोज होगा। और ये नेचुरल चीज़ है, जंगल पहाड़ पर्वत में आपको साधारण सब मिल जाएगा कहीं भी। और देखिए भाई अभी पीसे हैं और अभी जा रहे हैं, इसका टेस्ट किस टाइप से लगता है आपको हम थोड़ा सा टेस्ट करके दिखा रहे हैं ना भाई, देखिए इसको हम टेस्ट करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कड़वापन है और पूरा जो है ना मुंह को एकदम बांध दिया तभी ये काम करता होगा, कड़वापन है, लस्सा है बहुत ज़्यादा, यही है हम अभी खाए हैं। और इसको जब हम खाएं ना गाइस कड़वापन तो इतना भयंकर लगा ना, लेकिन 2-4-5 सेकंड के बाद जो है ना मुंह जो है इतना फ्रेश लग रहा है ना, माउथ फ्रेश एकदम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा हमको महसूस हो रहा है, अच्छा काम करेगा ये सब। अगर आप भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको नज़दीकी अपने जंगल पहाड़ पर्वत में कहीं भी मिल जाएगा, हो सकता है आप लोग जानते होंगे ये सब बात, लेकिन मैं देखा मेरा घर के बगल में ये भाई रहता है तो मैं सोचा कि थोड़ा आप लोगों को मैं बता दूं। और आज बिजली नहीं होने के कारण बहुत ही दिक्कत हुआ, अभी आप देख रहे हैं टाइम 6 बज गया। और सो गाइस आज का ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल हम ड्यूटी जाएंगे, मेरा 2 दिन का बिस्किट बचा हुआ है, उसके बाद माल लाने के लिए जाएंगे, इस बार हम दूसरा जगह से लाएंगे जो कि कलर अलग अलग कलर होता है, क्योंकि इसमें केवल ऑरेंज कलर है तो बच्चा लोग जो है ना अलग अलग कलर मांगता है, जो कि पीला हरा और ग्रीन कलर, येलो कलर, फिर ये ऑरेंज कलर, 3-4 कलर का होता है, तो बच्चा लोगों का तो जानबे करते हैं, सबका अलग अलग अथी होता है। तो 2 दिन के बाद हम जाएंगे अपना आइसक्रीम का सामान लेने के लिए। और गाइस हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, शुभ रात्रि।